कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है और राज्य में माहौल बार बार बदल रहा है। शाम 4 बजे बीएस येदुरप्पा को सदन के पटल पर बहुमत साबित करना है, जिसके लिए उन्हें कुल 112 विधायकों की दरकार है। फिलहाल बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की अंतिम कोशिशें जारी हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जनार्दन रेड्डी ने रायचूर से उनके विधायक बसन गौड़ा ददद्दल को फोन पर करोड़ों रुपयों और मंत्री पद का लालच दिया। कर्नाटक कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो रिलीज किया और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके दो विधायकों को अगवा कर लिया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके दोनों विधायक वापस लौट आएंगे। वहीं बीजेपी नेता प्रीतम गौड़ा ने कहा है कि जेडीएस विधायक उनके संपर्क में हैं ताकि वे बीएस येदुरप्पा का समर्थन कर सके। वहीं हांसुर से जेडीएस विधायक एएच विश्वनाथ के बेटे पूर्वज विश्वनाथ ने भी फेसबुक पर लिखा कि उनके विधायक पिता को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्वज ने यह भी लिखा है कि वे मौका परस्त नहीं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और खरीदने वाले मेरे पिता को भूल जाएं। फिलहाल कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हैदराबाद से बेंगलुरु पहुंच गए हैं। बेंगलुरु समेत राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील मैंगलोर में धारा 144 लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।